गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज पर द चैप्टर वी डिस्कस्ड, दिस इज टेस्ट नंबर 1 ऑफ 10 मार्क्स। द चैप्टर वी कवर्ड इन द टेस्ट इज द फ्रॉम द दैट इज शेयर्स, फ्रॉम द शेयर्स, फ्रॉम द डिवेंचर्स एंड अकाउंटिंग रेशियो। द क्वेश्चन दैट इज कवर्ड इन दिस टेस्ट इज फ्रॉम कंपनी अकाउंट एंड अकाउंटिंग रेशियो। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर फ्यूचर एंड री इशू। 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 वेर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रुपीज 60 पर शेयर। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर ऑन दीज शेयर्स वेर नॉट मेड। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशू एट रुपीज 70 पर शेयर फुली पेड अप। दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू पास द एंट्री ऑफ फॉर फ्यूचर एंड री इशू। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। द सेकेंड क्वेश्चन। जेपी लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर रुपीज 3,80,000 एज पर एग्रीमेंट। रुपीज 20,000 वेर पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। व्हाट विल बी द एंट्री पास्ड इफ द शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। इन दिस यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज फ्रॉम चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। कैलकुलेट द करेंट एसेट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, करंट लायबिलिटीज रुपीज 40,000, एसेट टेस्ट रेशियो 0.75:1, इन्वेंट्री एट द एंड इज रुपीज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स। And this question you have to calculate the current asset. Question number 4. It is also of 3 marks. B Limited issue 1000 12% debenture of rupees 100 each on 1st April 14 at a discount of 5% and redeemable at a premium of 10%. Give the journal entries relating to the issue of debentures and debenture interest for the period ending 31st March 15. In this question, you have to pass the entry of issue and debenture interest. Period ending 31st March 15, assuming that the interest is paid half yearly on 30 September and 31st March and TDS is 10%. So in this question, you have to pass the entry of issue of debenture and debenture interest and the TDS. And this is also of 3 marks. All the questions students have to do in your rough copy. The question which is covered in this test is from the share chapter, debenture and accounting ratio. And the questions is from the all the questions from NCERT. Thank you.